150 सीटों पर कांग्रेस की हुई ऐतिहासिक जीत, भाजपा का हो गया पूरी तरह से सफाया। मचा बवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बागलकोट में जनसभा की, इसके बाद विजयपुर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट है, ये कम से कम 40% कमीशन लेते हैं जो भी काम करते हैं। पहली बार ठेकेदार संघ ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया और फिर प्रधानमंत्री मंच पर जाकर कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हूं। उन्होंने ऑपरेशन लोटस का जिक्र करते हुए कहा कि अब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, ये भाजपा उस सरकार को नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि इसमें 150 सीटें आएंगी। भाजपा की 40% कमीशन की जो आदत है, उनकी 40 सीटें आने वाली हैं। राहुल गांधी ने वादा किया कि हमारी सरकार आने के बाद 2000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी, हर महीने 200 यूनिट बिजली हर परिवार को देंगे, हर महीने 10 किलो चावल हर परिवार के सदस्य को हम देंगे, सबसे जरूरी हर महीने 3000 रुपए हर ग्रेजुएट को हम देंगे और डिप्लोमा वालों को 1500 रुपए देंगे। बता दें कि 224 सीटों वाले कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं और 13 मई को नतीजे आएंगे। यहाँ सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।